लोग फाइनली गंगुआ का टीजर रिलीज हो चुका है। और भाई क्या टीजर है, पसंद मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया भाई। जो हिसाब से इसमें खून खराबा चल रहा है ना भाई, टीजर में मेरे खून खराबा जो हिसाब से चल रहा है ना, वो हिसाब से ऐसा लगता है भाई फिल्म एडिटेड या फिर एडल्ट्रेटेड या फिर आर रेटेड हो जाएगी। जो हिसाब से भाई चल रहा है ना भाई, कसम से मजा आ जाएगा। और इसके बीजीएम की बात कर लो, इसके VFX CGI की बात कर लो, के जो कैरेक्टर्स के जो कपड़े की बात कर लो जो कि कमाल के थे। VFX CGI तो पसंद जो बहुत ही पसंद आया, जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर्स के हिसाब से जो VFX और CGI जो यूज़ किए गए ना भाई, जो कि कमाल के है। और भाई वो भी भाई बंदा कमाल का है, कोई भी जगह पे इसको रख लो भाई कमाल का है। बस कॉमेडी में मतलब वो बात अलग है, हाउसफुल में जल्दी से हो गए, लेकिन भाई इसको भाई बंदे को मतलब भाई विलन में ही रखने की जरूरत है, ठीक है। वो तभी पता चल ही गया है। और भाई बंदे का ना एक भी डायलॉग ना कुछ, तो भी इतना भारी भरकम पड़ रहा है ना भाई कंगुआ यानी कि सूर्या के ऊपर, जो कि भाई कमाल का है। और बॉबीजुल के कैरेक्टर का नाम है उदिरन, जो कि भाई अभी देखने जैसा होगा। इसकी स्टोरी कैसे टेक प्लेस करती है, ये इस फिल्म की स्टोरी दो भागों में होगी, दो पार्ट में रिलीज होगी। और लेकिन जो फिल्म में जो हिसाब से है, एक पुराने ज़माने और एक नए ज़माने के हिसाब से, तो पुराने ज़माने में जो कंगुआ और ये जो उदिरम है वो कुछ ना कुछ हुआ होगा उन दोनों के बीच में, और दोनों अलग अलग ग्रुप में है तो दोनों अलग अलग गांव से होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा इसलिए इधर पे मतलब लड़ाई हुई होगी। और नए ज़माने के हिसाब से मुझे लगता है नए ज़माने में दिशा पटानी हुई होगी, दिशा पटानी यानी कि जो करंट वाली जो मतलब करंट वाला जो ईयर चल रहा है वो हिसाब से दिशा पढ़ानी वो नए ज़माने में होगी। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ उन लोग पे रिसर्च किया हो गया होगा, या फिर देखो उधर पे भी नए ज़माने में भी कंगुआ का जो सूर्य वाला कैरेक्टर है और जो उधरम वाला कैरेक्टर है बॉबी देओल, मतलब वो भी उधर पे होंगे। लेकिन अभी वो कैसे इधर पे होंगे वो मुझे देखने जैसा होगा, ट्रेलर में कैसे ही वो लोग वो हिसाब से दिखाते वो देखने जैसा होगा। बाकी भाई फिल्म कमाल दिख रही है, इसके एक्शन सीन जो कि परफेक्टली कमाल है, बाहुबली के ऊपर मुझे तो लग रहा है। क्योंकि भाई देखने जैसा होगा भाई अभी फिल्म में और हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर टीजर में ही इतना कुछ दिखा दिया ट्रेलर तो भाई कहा जाएगा, ठीक है। तो कहा अगर सोचोगे कि मैंने बोला कि दो भागों में कैसे होगी, मतलब दो जमाने में कैसे, क्योंकि कैसे बताए मैं बता देता हूँ, तुम्हें बहुत ही ईजी तुम्हारे सामने ही पड़ा है लेकिन तुम देख नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने ग्लिम्स रिलीज किया था, ग्लिम्स के बाद एक और पोस्टर आया था जो कि कंगुआ का ऑफिशियल पोस्टर था, ठीक है। यहाँ पे उस पोस्टर में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भाई टाइम ट्रैवल या फिर टाइम मशीन जो भी कुछ होगा वो होने वाला है, या फिर होगा या फिर हो सकता है, नहीं भी हो सकता वो देखा जाएगा फिल्म में। लेकिन इन्होंने पोस्टर में ही दिख रहा था दो कंगुआ थे, यानी कि दो सूर्य के कैरेक्टर्स थे, एक कंगुआ के रोल में और एक नॉर्मल जो कि आज के ज़माने में देखिए साइंटिस्ट या डॉक्टर भी हो सकता है। तो वो देखने जैसा होगा अभी ये फिल्म में कैसे फिर बैठता है। लेकिन भाई छोड़ो, खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस फिल्म के बाद, लेकिन भाई फिल्म कमाल की है। फिल्म का बजट है 300 करोड़, लेकिन लग नहीं रहा भाई 400, 500, 600 करोड़ का बजट लग रहा है, क्योंकि पर्सनली मैं जो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और भाई दोनों बंदे की एक्टिंग भाई जो कि कमाल की देख रही है, सूर्या और भाई बॉबी देओल, जो कि बॉबी देओल तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन भाई सूर्या मैं सॉरी भाई मज़ा बहुत ही आने वाला है। बाकी तुम बताओ अगर तुमने टीजर देखा तो तुम्हें कैसा लगा ये टीजर, और मैंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो 10 बार मैडम वेब देखनी पड़ेगी।